तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम लोग दोबारा से एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक चैलेंज लेने जा रहे हैं, जो कि है ड्रॉइंग माइनक्राफ्ट मॉब्स फ्रॉम मेमोरी। यानी हमें इस स्पिनिंग व्हील को घुमाना है एंड जिस भी माइनक्राफ्ट मॉब का नाम इस स्पिनिंग व्हील से सेलेक्ट होगा, उस माइनक्राफ्ट मॉब को हमें उसकी पिक्चर बगैर देखे उसको माइक्रोसॉफ्ट पेंट के अंदर ड्रॉ करना होगा। इसके पिछले पार्ट को बनाने में मेरे को बहुत ज्यादा मजा आया था एंड रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा मिला था, तो आई वॉन्ट टू डू दिस अगेन। एंड अगर आप इसको एक सीरीज में बदलते हुए देखना चाहते हो, तो जल्दी से वो सब्सक्राइब का बटन जो आपको लाल कलर का दिख रहा है ना, उसको क्लिक करके ग्रे बना दो। लेट्स बिगिन स्पिनिंग। देखते हैं अपना पहला मॉब कौन सा आता है। 1.19 के अपडेट के बाद दो तीन नए मॉब्स भी ऐड हुए हैं, तो देखते हैं। बी, ओके, आई थिंक दिस इज अ वेरी इजी वन टू स्टार्ट विद। ओके, तो माइनक्राफ्ट में हर चीज डब्बे जैसी होती है, तो हमें डब्बे की शेप बनानी है ऐसे। बट मेरे को, आप जानते हो मैं थोड़ा सा प्रो बनता हूँ, तो मैं थोड़े से प्रो वाले काम करता हूँ, तो मैं इसको जरा एक 3D मॉडल की तरह बनाना चाह रहा हूँ। होपफुली बन जाए, मेरी बेइज्जती ना हो जाए। ओ माई गॉड, ये तो घर लग रहा है। प्लान कैंसिल, हम लोग सीधे ही बना देते हैं। ओके, तो माइनक्राफ्ट की बी नॉर्मल बीज की तरह ही होती है, जिनके ऊपर काफी ज्यादा लाइंस होती हैं ब्लैक एंड येलो कलर की। ब्लैक इधर होता है आई थिंक, बाकी गोल्ड यार ये सही नहीं लग रहा। आई थिंक ब्लैक की एक और लेयर होती है, ऐसे एंटीने बना देते हैं। एंड मुंह पे एक स्माइल होती है आई थिंक। अब इसके आंख के डेलों को व्हाइट कर देते हैं। टांगे बनानी है जो कि काफी प्यारी प्यारी सी होती हैं, छोटी छोटी सी ऐसे। आई थिंक आवर फर्स्ट ड्रॉइंग द बी इज रेडी। जल्दी से देखते हैं माइनक्राफ्ट की बी असली में कैसे दिखती है। नो वे, मैं विंग्स कैसे भूल सकता हूँ। बाकी शेप वगैरह कलर वगैरह बिल्कुल ठीक है, बट उसकी आंखें काफी ज्यादा बड़ी है एंड उसके डेले में व्हाइट थी, डेले में ब्लैक है और आंखों में व्हाइट है। काफी अजीब चेहरा है माइनक्राफ्ट बी का। क्या मुझे अपने आप को पॉइंट देना चाहिए? रहने दो यार, ये रिंग्स वगैरह भी नहीं है। आप लोग कमेंट में ऐसी शोर करोगे। फिर बी को करते हैं एलिमिनेट एंड लेट्स स्पिन द व्हील अगेन। देखते हैं कौन सा आता है। प्लीज प्लीज, कोई इजी शेलकर। या आई थिंक शेलकर बहुत इजी है। हमें दो बॉक्स ऐसे बनाने, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर नीचे ऐसे करके होल होता है ना बॉक्स के ऊपर, और फिर अगर मैं ये लाइन जो है यहाँ से ऐसे हटा दूं। ओह माय गॉड, आई थिंक आई नेल्ड इट। ओके, पिंक कलर होता है शेलकर में, पिंक का थोड़ा डार्क शेड होता है। ये आ गया पिंक, ये आ गया पिंक एंड उसका नॉर्मल से ऐसा मुंह होता है ना, अजीब सा गंदा सा। आई थिंक ऐसे एक लाइन होती है ऊपर सर पे, दो आंखें होती हैं यहाँ पे ऐसे, और पीच ये हो गया एंड ब्राउन कलर की आई थिंक लाइन होती है सर पे एंड पिंक से कुछ तो लिखा होता है शेलकर बॉक्सेस पे, जो कोई नहीं पढ़ने वाला। आई थिंक मैंने शेलकर बिल्कुल परफेक्ट बनाया है। Yes, I nailed it. Let's go. बिल्कुल exactly वैसा ही है, थोड़ी बहुत कमियां but I think बिल्कुल अच्छा बनाया माइक्रोसॉफ्ट पेंट के हिसाब से। घुमा दो व्हील। ओके, अब मैं देखूंगा जी, कोई इजी मिलने वाला है। देखो, यस, इजी मिला। एली मेरे को आता है बनाना, अभी तक मेरे को प्रोनाउंसिएशन नहीं आई बट बनाना आता है। आई थिंक वो ऐसा बॉक्स है, उसका मुंह ऐसा ही है, काफी बड़ा मुंह है। अच्छे से ऐसी करके बॉडी है ना, आगे से उसके ऐसे दो हाथ निकले, कोई आइटम पकड़ा दूं एंड देन उसके ऐसे विंग्स बना दूं अगर मैं तो। एंड आई थिंक सर पे उसके बाल है थोड़े से, राइट, आंखें आ गई। काफी ज्यादा डिप्रेस्ड एली है, बट आई थिंक उसका कलर तो ये होता है ना, गोल्ड की सॉर्ड बना देते हैं भाई। इसको बनाने में तो तुम्हारे भाई ने स्पीड रन किया है, प्लीज इसके लिए भी एक पॉइंट मिल जाए। गाइस, आई थिंक आई नेल्ड इट। थोड़ी सी नीचे उसकी बॉडी मिसिंग है बट देखने देखने में काफी ज्यादा सिमिलर। एक और पॉइंट मेरी जेब में। पेन वार्डन। वार्डन का इतना कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन है, मुझे कभी नहीं आएगा, पर बनाना तो पड़ेगा, चैलेंज लिया है। ओके, उसका सर है, काफी बड़ा सर होता है एंड देन उसकी ऐसी बॉडी होती है, आई थिंक ऐसी, हाँ ऐसे, अभी तो आयरन गोलम लग रहा है। देन उसके ही उस सर पे सिंग्स होते हैं, सिंग्स, एंड आई थिंक उसका मुंह काफी ऐसा खुला सा होता है, दिल में भी उसके काफी कुछ ऐसा बना होता है, ज्यादा डिटेलिंग में डालूंगा नहीं। आंखें होती हैं यार उसकी, पर वो चलती नहीं है, वो अलग बात है, बट होती हैं। ओके ओके, ठीक है, ये वार्डन नहीं लग रहा, तो इसको अभी कलर करते हैं हम। वार्डन का शेड काफी ज्यादा डार्क ब्लू करके है, ऐसा ऐसा वाला, ऑलमोस्ट ब्लैक कलर का है वार्डन, बाकी जगह सब जगह ब्लू होता है ना। अबे शिट, आई थिंक ब्राउन होता है, राइट, बाकी पाउंड वाउ में भी ब्राउन, आई थिंक लुक्स अबाउट राइट। लेट्स सी कि असली वार्डन कैसा दिखता है भाई। ओके, मैं काफी ज्यादा गलत हूँ, स्ट्रक्चर वगैरह एंड उसकी बेसिक फीचर्स मैंने सही किए हैं। ओके, जहाँ मैं फंसा हूँ ना, वो इसके हाथ पे भी यहाँ पे ऐसे करके कुछ बने हैं। आई थिंक आई विल टेक दिस पॉइंट, थैंक यू वेरी मच। अभी तक एल्बिडो बहुत अच्छा कर रहा है, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, मैं भाई काफी अच्छा कर रहा हूँ। लेट्स डू दिस अगेन, प्लीज अब कोई हार्ड दो, चैलेंजिंग दो। पिगलिन, आई थिंक ये हार्ड है। येलो तो हो गई, गोल्ड के लालची, उनकी बॉडी तो बिल्कुल माइनक्राफ्ट के किसी प्लेयर की तरह होती है, ठीक है,
आप बिल्कुल ऐसे करके आप उनको बना सकते हो। हाँ, फिर उनकी टांगे आप ला सकते हो इधर। यस, एंड देन अगर मैं उनको अगर यहाँ पे ऐसे बेल्ट बांध दूं, एक बेल्ट बंधा होता है ना, एंड आई थिंक ऐसे करके उनके कपड़े होते हैं कुछ, आई थिंक ये वाला गलत होने वाला है, मैं मेरे को कुछ पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। पिग मैन नाम है तो पिग जैसी नाक तो जरूरी होगी। नाक भी बन गई, अब आती है आंखों पे। आंखों में खो जाते हैं हम इनकी। आंखें कम, 3D ग्लासेस ज्यादा लग रहे हैं भाई बहुत डर लग रहा है मेरे को सच में। प्लीज मेरे घर मत आना। ओके, पूरी इसकी बॉडी तो पिंक होगी, पूरी बॉडी पिंक होगी, ब्राउन कपड़े होंगे बस इसके। मुझे पता है मैं हारने वाला हूँ। मुंह का तो बिल्कुल हमने बिगाड़ दिया, कपड़ों पे फिर भी हम पॉइंट ले सकते थे और कलर भी चेंज है, मैं नहीं ले रहा पॉइंट, मेरे को शर्म आ रही है इस घटिया चीज पे पॉइंट लेने के लिए। कम ऑन ब्रो, डर लगता है क्या? चैलेंज दो मुझे, चैलेंज दो। अबे छी यार, स्पाइडर भी ऐसी इसकी बॉडी हो गई, इसका सामने से मुंह ऐसा होता है, फिर बाकी ऐसे टांगे बना दी। ठीक है, स्पाइडर की 8 टांगे होती हैं, ठीक है, जाहिल नहीं हूं मैं, ऐसे करके कुछ तो होती है, ऐसे करके टांगे उनकी होती हैं, ठीक है। बाकी स्पाइडर का कलर थोड़ा सा रेड सा होता है, रेड और ब्लैक मिक्स, तो रेड का ये शेड ले लो, केव स्पाइडर बन जाएगी और ये पूरा फैल गया। ओके नाइस, मैं सब कर दिए, मैं इतना प्राउडली बोल रहा था, मैंने सही बनाई है। मुंह उसका बड़ा है, बॉडी छोटी है, कैसी स्पाइडर है, सारी टांगे आगे हैं। नहीं लेता पॉइंट, जाओ यार, दुनियादारी छोड़ दी मैंने। एंड इसी के साथ आज की ड्राइंग माइनक्राफ्ट मॉब्स फ्रॉम मेमोरी का एपिसोड एंड होता है। मेरे को बहुत ज्यादा मजा आता है इन सीरीज पे, क्योंकि ड्राइंग मेरी बचपन से हॉबी है एंड माइनक्राफ्ट ने तो मेरी जिंदगी बदली है। तो अगर आपको भी मेरी तरह इतना ही मजा आया तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दो, लाइक किए बगैर बिल्कुल मत जाना, ठीक है। मेरे को आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, एंड अगर ऐसी औसम फनी वीडियोस देखनी है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दो। मैं मिलता हूं आप लोगों से अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक ले पीस एंड लव, बाय।